हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहाँ रह गई वो? अभी तक आई नहीं। कहीं हमें किसी ने बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई हमें बेवकूफ बनाए। तो फिर वो है कहाँ? यहाँ हूँ मैं। कहाँ है वो? रहा। कितना इंतजार करवाया इसने, आखिर मुझे मेरा हार मिल ही गया। तुम्हारा नहीं मैडम, हमारा है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। तेरा हिस्सा? तू है कौन? हाँ, ये मेरा खानदानी हार है। फिलहाल तो ये मेरे पास है, और आप सब ये मत भूलो कि इसको मैंने ढूंढ निकाला है, और आप सबको मैंने यही शर्त पे बुलाया है कि इसमें मेरा भी हिस्सा पड़ेगा। बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली। तू यहाँ से बचकर जाएगी तो तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा ना। ये क्या हो रहा है? ये मेरा हार है। ये कौन है? ये तो महारानी कलावती है, पर ये तो 150 साल पहले मर चुकी है। ये वापस कैसे आ सकती है? ये हार मेरा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वारिस को मिलेगा, ना कि तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को यहाँ पर। वापस दे दो मुझे मेरा हार। रोक, मेरा हार मुझे वापस दे दो। बचाओ। मिनट। Oh my God! ये तो मर गई है। हार? अरे अरे हार कहाँ गया? इतनी मुश्किल से तो मिला था हार, और फिर गायब हो गया। सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। चलो एक काम तो हो गया। हाँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की थी कौन, और इसके पास हमारा ये खानदानी हार कहाँ से आया? इसके बैग में चेक करते हैं। विजिटिंग कार्ड? कविता? कविता। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप इधर आइए, इधर आइए। सर, सांसें चल रही हैं। कविता, कविता, कविता जी, कविता जी, कविता जी, कविता जी, किसने किया ये सब? हैं? वो हाँ? कौन? 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 हार, 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 हार लेके वो। कविता, कविता जी, संभालिए अपने आप को प्लीज। ये कुछ हार हार बोल रही थी, किस हार की बात कर रही थी आप जानते हैं? सर मुझे नहीं पता सर, किस हार के बारे में बात कर रही थी सर। चेक कर। है तो ये किसी जान पहचान वाले का काम। पहचान वाला? जी हाँ, दरवाजे पे जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं है, सारा सामान वैसा का वैसा है। इसका मतलब जो भी यहाँ आया था कोई पहचान वाला ही था। So, ये देखिए सर, इससे ये फर्श तोड़ के यहाँ खोद के कुछ निकाला गया। ये सब कैसे हुआ है? मुझे नहीं पता सर, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ सर। सर हो सकता है कि यहाँ पर उसी हार को छुपा कर रखा गया जिसके बारे में अभी अभी कविता जी ने बताया। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा घर बने तो बहुत साल हो गए मैम। हो सकता है सालों पहले वो हार इसमें छुपा दिया गया और आज निकाल लिया गया। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? सर हमारी एक नौकरानी स्नेहा, वो दिखाई नहीं दे रही। मैंने कई बार फोन भी ट्राई किया पर वो उठा नहीं रही। फोन नहीं उठा रही है? आप जरा स्नेहा की कोई फोटो वगैरह दीजिए हमें, इसका मोबाइल ट्रेस करो, पता करो मोबाइल की लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है। CID यहाँ क्या कर रही है? आप लोगों में से किसी ने भी इस लड़की को यहाँ देखा है? नहीं, हमने तो इस लड़की को कहीं नहीं देखा। कौन है ये? इसका नाम स्नेहा है। इसने एक घर से हार की चोरी की है, और सिर्फ चोरी नहीं की है, उस घर की मालकिन का खून भी किया है इसने। नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता सर। देखिए हमें ये पता चला है कि वो यहीं पे है। यहाँ वो कैसे आ सकती है सर? ये तो हमारे रिजॉर्ट का प्राइवेट सेक्शन है, वो वहाँ उस तरफ गेस्ट एरिया में आई होगी शायद। नहीं नहीं, इसके मोबाइल की लोकेशन यहीं इसी एरिया में है। सॉरी सर, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है सर। सो पहले फोन उठा नहीं रही थी, अभी स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, कहाँ तक भागेगी। अगर आप लोगों को इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। जी जी, जी। सर ये तो टूटा हुआ झूमर लग रहा है। खून? क्या हुआ यहाँ पे? हमें नहीं पता सर। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे सर। आप नहीं बताएंगे तो हम पता कर लेंगे। सर रिसॉर्ट का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कमाल है, फोन की लोकेशन यहाँ पे थी। क्या चक्कर है? लगता है अभी यहाँ पे ताजा ताजा खोदा गया है। सर वो पेड़ पौधे लगाने के लिए खोदा होगा। अच्छा खोदो भाई, देखो कौन सा पौधा लगाया गया है यहाँ पे। गले पे निशान कैसा है? तो आपके रिसॉर्ट के प्राइवेट सेक्शन में आदमी को मार के गाड़ने का काम किया जाता है क्यों? नहीं सर, हमने नहीं मारा इसे। तो कौन है ये आदमी? हमें नहीं पता सर, हम तो इसे जानते भी नहीं। आंटी क्या हुआ? ये सब आप लोग कौन है? ये सब हमारे ही बच्चे हैं। जरा देखिए इस आदमी को। इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। सर बहुत ही अजीब बात है, हम तो यहाँ स्नेहा को ढूंढने आए थे और हमें एक लाश मिलती है। देखिए हम सब खानदानी लोग हैं, राज घराने से हमारा वास्ता है, इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं। सर हमारा यकीन कीजिए, हम नहीं जानते कि ये है कौन। आप लोग कहाँ थे अभी? सर हम लोग रिसोर्ट के पीछे कैंप फायर कर रहे थे। सर इसका नाम कबीर है, अंधेरी में रहता है। कबीर, इसके घर चलते हैं। कमाल हो गया, यह आदमी लैब में पहली बार बिना चिल्लाए आया है। हंस भी तो नहीं रहे आज। हाँ बहुत सीरियस। रात में यह डब्बा। क्या हुआ सर? क्या है इसमें? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बताने। सर बताइए तो, आखिर है क्या इसमें? देख लो, खुद ही देख लो। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एसीपी साहब, एसीपी साहब, मैं भी एफसीआईडी छोड़ दूंगा, नानी काम करूंगा। एसीपी के बिना काम करने में अब कोई मजा नहीं। जब एसीपी सर जिंदा थे तब तो आप उन्हें बहुत गालियां देते थे ना? मैंने इसकी कभी कदर नहीं की, बहुत कुछ सुनाया इसे। इतनी चली कटी सुनाई, वो सब आके मेरे सीने में लग रही है। किसी ने सर काट दिया एसीपी का। मैं तो सोच भी नहीं सकता, कोई एसीपी का सर कैसे काट सकता है। सोचना बहुत दूर की बात है सालों की। सर रखा है ना सामने, इसकी आंख में गोली लगी है। वो गोली ढूंढो और देखो कहां से आई है वो गोली। किसी ने गोली मारी और हाँ, पहले गोली मारी और फिर सर काटा। कौन है लोग? हाँ? क्या कर रहे हैं? एक मिनट, हम लोग सीआईडी से हैं। एक मिनट प्लीज। वो कबीर के बारे में नाम मत लीजिए मेरे सामने आप उसका। वो आदमी मेरा पति कहलाने के लायक नहीं है। धोखेबाज कहीं का, पूरी दुनिया के दांत ठीक कर रहा है और अपना ही घर तोड़ डाला। मन तो करता है कि मैं उसके सारे दांत तोड़ डालूं। तो कबीर डेंटिस्ट है? अरे कहाँ का डेंटिस्ट, बेवफा तो था ही, अब क्रिमिनल भी हो गया। भाग गया होगा कहीं पे भगोड़ा। भगोड़ा? वो अपनी उस असिस्टेंट गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया होगा कहीं पे। मुझे बोल रहा था कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल चुका है। मेरे पास सबूत है उसके खिलाफ। अच्छा, तो वो आपको बोल के गया कि कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है। अरे और ऊपर से देखिए कि अभी तक आया भी नहीं है, अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होगा कहीं पे। ये उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये देखिए, यही है वो औरत जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को। ये स्नेहा, आप लोग इसे जानते हैं सर, मगर ये तो नौकरानी है। अरे ये नौकरानी नहीं, ये मेरे पति की असिस्टेंट है। एक मिनट, आपके पास इसका एड्रेस है? हाँ मैं अभी लाती हूँ, आप छोड़ना नहीं इसे। कमाल है, स्नेहा के तो बहुत सारे रूप हैं। पता नहीं अब कितना रूप देखना बाकी है। तो अगर ये कबीर के साथ वहाँ उस रिसॉर्ट में गई थी तब तो इसको वहाँ पे होना चाहिए था। रिसॉर्ट भी देखना होगा और इसका घर भी। प्लीज सर, एसीपी साहब की इतनी इंसल्ट मत करो, उनके यहाँ की चीफ और मत करो सर प्लीज। अरे दया, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, तुम अपने काम से पीछे नहीं हट सकते हो। प्लीज सर, खूनी को पकड़ने के और भी तरीके हैं। इनके आंख के अंदर से गोली निकाल के खूनी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। अरे ये क्या हो गया है, एक कटावा सिर देखा और बह गए। आपके दिल में पत्थर भरे, हमारा दिल अभी भी रो रहा है। आपका दिल मर चुका है, हमारे दिल में एसीपी साहब के लिए अभी भी उतनी इज्जत है। डॉक्टर साहब, आप हमारे पर हंस रहे हैं। एसीपी, एसीपी सर, आप एसीपी सर पे हंस रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं। एसीपी, एसीपी, एसीपी ये हो क्या गया आपको? रबर है, रबर है, हा? रबर है। एसीपी चित्रोले साहब रबर का चेहरा लेकर के आए। ये चेहरा नकली है। डीसीपी ये कहां गए? गए चित्रोले साहब। लेकिन सर, जिसने भी ये सर बनाया है बहुत ही बढ़िया बनाया है, एकदम एसीपी सर जैसा। तो अब गोली निकाल करके देखते। राज 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 कहीं वो महारानी तो से नहीं ले गई। चलो चल के देखते। क्या चल क्या रहा है यहाँ? आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि स्नेहा यहाँ पे नहीं आई थी। चलो अब सबके सब सलाखों के पीछे वही बताना सब कुछ तुम लोग। सर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे राज को बचा लीजिए। वो महारानी है ना, उसे लेके चली गई है, वो मारने लगी उसे। राज, क्या हो गया मेरे बच्चे को? वो मर चुका है। नहीं नहीं प्लीज, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। संभालो। निशान कैसा? ये तो खून पिपास के काटने के निशान लग रहे हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इसे खून पिपास ने मारा है? नहीं, उस महारानी की आत्मा ने मारा मेरे बेटे को। सब मरोगे, सब मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, ये देखिए दांतों के निशान है। अगर कोई आत्मा होती तो ये काटने के निशान नहीं होते। आत्मा तो नहीं होती। नहीं, इसे जरूर कलावती नहीं मारा है। वो यहाँ अपना हार लेने आई थी। सच है। वो निशान देखो, लगता है जिसके सिर में मारा है, मारने के बाद इस तरफ गया है। जयवंती, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। ये रोशनी बंद करो। तुम हो कौन? सुनाई नहीं देता क्या? रोशनी बंद करो। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से, जाओ। फ्रेडी, फ्रेडी कौन? फ्रेडी? ये हो क्या? क्या तुम्हें होश में आओ, तुम फ्रेडी हो? नहीं नहीं, मैं कौन हूं? तुम सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हो। इस तरह से क्या देख रहे हो तुम? हम लोगों को पहचान नहीं रहे हो? फ्रेडी पहचानो। मुझे खून पसंद है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हो क्या क्या तुम्हें? मुझे खून पसंद है और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे यही आना था, तुम लोग जाओ, पागल मत करो, जाओ तुम लोग। चलो मेरे साथ। रेडी? ठीक है, एक मिनट। दांत? सर ये तो खून पिपास वाले दांत है। ये दांत तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मेरे दांत है। हाँ? मुझे दे दो। छोड़ो। मुझे खून पीना है, इसके बिना मैं खून कैसे पीऊंगा? रेडी को हो क्या क्या है? एक मिनट। उस राज के गले पे वो निशान और फ्रेडी की हालत। कितने लोगों का खून करवाओगे तुम लोग? हाँ बताओ, स्नेहा कहाँ है? तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है, झूठ। और अब अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा और तुम लोग की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, समझे? अब कोई बताएगा? मैं बताती हूँ आपको। स्नेहा कहाँ है? हम तो खुद इसे नहीं जानते थे, बल्कि इसने हम सबको फोन करके बुलाया था कि हमारा पुश्तैनी हार इसके पास है। बस हम वो हार लेने आए थे और पता नहीं ये महारानी कलावती कहाँ से आ गई। वैसे ये महारानी कलावती है कौन? इस रिसोर्ट से पहले यहाँ एक महल था और ये महल महारानी कलावती का ही था, जिसको मरे हुए अब 150 साल हो चुके हैं। सर आज वंदी सही निशान तो ठीक वैसे ही निशान है जैसे राज के गर्दन पे था। ये कैसे हो सकता है? सर कहीं फ्रेडी सर? नहीं जयवंती, फ्रेडी नहीं। खून चाहिए। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हो क्या क्या तुम्हें? मुझे प्यास लगी है। पानी। ये पानी नहीं, मुझे खून चाहिए। दया, फ्रेडी ठीक बोल रहा है, खून इसी ने पिया है। ये क्या कह रहे सर आप? हाँ, इन दोनों लाशों की गर्दन पर जो खून पिपास के दांतों के निशान हैं, उनमें जो सलाइवा मिला है उसका डीएनए फ्रेडी के डीएनए से मैच करता है। ये दांत जो हमें फ्रेडी सर के पास से मिले हैं, इनकी लंबाई और इन जख्मों की गहराई दोनों मैच करते हैं। नहीं, ये सब बकवास है, फ्रेडी ऐसा नहीं कर सकता। फ्रेडी लोगों का खून पी रहा है, वो खून पिपास हो गया है। फ्रेडी फ्रेडी डॉक्टर साहब आ जाओ। तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? मुझे खून चाहिए, खून चाहिए मुझे। फ्रेडी वाकई में खून पिपास बन गया है। लेकिन कैसे सर? और सालुके साहब ये सब क्या हो रहा है? फ्रेडी तो इन दोनों को जानता भी नहीं, तो फ्रेडी क्यों करेगा ये सब? सबका खून पी जाऊंगा, बहुत दिनों से प्यास लगी है। दया, इसे सेफ रूम में ले जा। ध्यान रखना इसका, छोड़ना मत, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। डीसीपी साहब का मैसेज? ये तो कटोरी डमटा है। ये जिंदा है? कटोरी जिंदा है। फिर ये सब क्यों? I'm sorry दया, लेकिन सॉरी बोल दिया तो हो गया। सर आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। मैं तुम लोगों के सामने, बाकी लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कटोरी जिंदा है भी या नहीं। और ये सारा प्लान डीसीपी चित्रोले के साथ हमने बनाया था। डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे? हाँ, कमाल है, आपने एक झटके में हम सबको पराया कर दिया। क्या कह रहे हो दया? इसका भी हो सकता है, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है सर बताइए? डीसीपी चित्रोले ये बात जानते थे मगर आपने ये बात हमें नहीं बताई। वो आदमी आपका रबर का चेहरा लेके यहाँ पे आया था साहब। हमारी भावनाओं के साथ खेला है सारो साहब मैंने। चित्रोले किस तरह का आदमी तुम अच्छी तरह से जानते हो। असली बात तो ये है कि मैं तुम लोगों को खतरे में डालना नहीं चाहता था। पता नहीं था मुझे कि कटोरी का आखिरी शिकार कौन हो सकता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो जिंदा है भी या नहीं, और इसीलिए डीसीपी चित्रोले के साथ जंगल के शूटआउट का प्लान बनाया और कटोरी सामने आ गया जिंदा। एक्सक्यूज मी, सुनिए जी, कहिए। ये स्नेहा का घर यही है क्या? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। स्नेहा ने फिर से कुछ किया है क्या? फिर से? क्या मतलब? 6 महीना पहले ही तो वो जेल से आई थी। वो छोटी मोटी चोरियां करती थी, लेकिन आप ये सब किसी को बताइएगा मत। नहीं, आप घबराइए मत। थैंक यू वेरी मच जी। निखिल, पंकज, मैं सारे पैसे छुपा के रखे। तो वीर के घर की फोटो है, घर का ब्लूप्रिंट। ये वीर के घर का नक्शा है। सर ये देखिए, हार काफी महंगा लगता है। देखिए डिजाइन कितना बड़ा है। तो इस हार की वजह से सब हुआ है। काफी पहले से सारी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन सर उसे इस हार के बारे में कैसे पता चला होगा? किसी ने तो बताया होगा। इसका मतलब है कि स्नेहा के साथ कोई और भी शामिल है इन सबके पीछे। कौन हो सकता है इसके पीछे? ये स्नेहा के फोन का रिकॉर्ड्स है ना हमारे पास। पता करो कि पिछले 6 महीने में उसने सबसे ज्यादा बार किससे बात की है। इस हार का राज तो फोन नंबर ही बताएगा। क्या बात है सर, सब ठीक तो है? आपने अचानक फ्रेडी को लेकर यहाँ पे आने को कहा? दया, समस्या है। हमें इस रक्त पीपस अटैक का कारण पता चल गया है। आप लोग मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते? मैं एक खून पिपासू हूं, खून चाहिए मुझे। यार सालुंखे, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। इसकी हालत तो और भी खराब होती जा रही है। सर मुझसे तो फ्रेडी की हालत नहीं देखी जा रही सर। सचिन, फ्रेडी खून पिपासू नहीं है। दया, दरअसल फ्रेडी के खून में हमें नींद की गोलियों के अंश मिले। हाँ दया, फ्रेडी को नींद की दवाइयां देकर उसे हिप्नोटाइज किया गया है। नींद में उसे यकीन दिलाया गया है कि वो एक खून पिपासू है। फ्रेडी, एक बात बताओ, कब से तुम नींद की गोलियां ले रहे हो? फ्रेडी, एक मिनट सर। सर भाभी जी तो घर पे है नहीं। फ्रेडी, तुम आजकल खाना कहां पे खा रहे हो? हाँ? रमेश, मेरा बावर्ची मेरे लिए खाना बनाता है। माय गॉड सर, ये सीढ़ी बाहर मिली है। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। चलो चला। हेलो एसीपी भाई, तुम लोगों ने मुझे मिस तो नहीं किया? मुझे लगा कि तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हो कि उस दिन मैं जेल में बचा कैसे, तो सोचा खुद ही बता दो। याद है दया? उस दिन ये पट्टा मेरे गले में था। ये इंजेक्शन छोटा है लेकिन कमाल का है। इसे इंसान की नब्ज में डाल दो तो धीमी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। मैंने इसका इस्तेमाल किया और साथ ही मैंने गोली चला दी। इसकी आवाज़ सुनकर तुम लोग अंदर आए और जो कैप्सूल मेरे दिल के करीब था वो मैंने रिमोट के जरिए चला दी। तुम लोगों को लगा कि मैं तो गया। आगे आगे देखो होता है क्या। वक्त शुरू हो चुका है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बैठो रमेश। खून चाहिए मुझे। अरे बैठो तो। मुझे खून चाहिए। बैठो। खून चाहिए मुझे। लगता भाग गया सर ये रमेश। ये रमेश भाग कर जाएगा कहाँ? घर की अच्छी तरह से तलाशी ले लो, देखो क्या वो चीज मिलती है क्या जिसकी वजह से फ्रेडी की ऐसी हालत हो गई। सर ये किचन के डस्टबिन में से नींद की दवाई मिली है। लगता है फ्रेडी सर को ये दवाई दी गई है। लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा कि किस चीज से हिप्नोटाइज किया गया इसे? सर फ्रेडी के कमरे से एक खिलौना मिला है, इसमें से तरह तरह की आवाजें हो रही है सर। मुझे खून चाहिए, मुझे खून की प्यास लगी है। आपने मुझे मारा सर? तुम होश में आ गए? अभी भी कान में घंटियां बज रही है। यार क्या करता, तुम काटने लगे थे। अरे सर ये हथकड़ियां तो खोलो। थैंक यू सर। फ्रेडी ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? रमेश ने, मेरे बावर्ची ने। सर वो दामिनी यही रहती है जिसने स्नेहा को सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे सर। यहाँ तक कि वो हार चोरी होने के कुछ घंटों पहले भी दोनों की बात हुई थी सर। वो रहा उसका घर, ये वाला। घर तो खुला हुआ। कौन है? रामिनी जी कौन है? कौन है बेटा? हम लोग सीआईडी से हैं, हमें दामिनी से मिलना है। यही दामिनी? क्या आप दामिनी हैं? हाँ बेटा। आप किसी स्नेहा को जानती हैं? कौन स्नेहा? दामिनी जी आपके फोन से सबसे ज्यादा बार कॉल स्नेहा को की गई और आप स्नेहा को नहीं जानती? मैं नहीं जानती। देखिए स्नेहा एक औरत थी जो किसी महारानी कलावती का हार लेके भागी थी। अब उसकी भी मौत हो गई है। क्या? वो हार उसके हाथ लग गया? नहीं नहीं, नहीं। एक मिनट प्लीज आप शांत हो जाइए। दामिनी जी एक मिनट, संभालिए अपने आप को। आप उस हार के बारे में कैसे जानती हैं? मेरी बेटी को बचा लो, उसी ने फोन किया होगा और स्नेहा को वो हार चुराने के लिए कहा होगा। मैंने उसे कहा था ये हार उसकी जान ले लेगा। एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए। ये कौन है आपकी बेटी और ये हार का क्या चक्कर है? मेरी बेटी रूपा उस हार की असली वारिस है। वो रानी लीला बाई की बेटी है। लीला बाई महारानी कलावती की पोती है और मैं उस लीला बाई की दासी थी। कुछ लोगों ने रानी लीलाबाई को उसकी रियासती संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर दी और वो हार भी वही लोग चुराना चाहते थे। तो वो हार लीलाबाई के बाद रूपा को मिलने वाला था। हाँ बेटा, जब रानी को पता चला कि कुछ लोग उस हार को चुराने वाले, उसने वो हार कहीं छुपा दिया और अपनी बेटी रूपा को मुझे सौंप दिया ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये रूपा रानी लीलाबाई की बेटी है जिसे आपने पाला है। रानी साहिबा ने मुझसे कहा था कि मैं उसे दुनिया की नजरों से बचा के पालूं और जब मैं बड़ी हूं तो उसे सब कुछ बता दूं। मैंने उसे बता दिया कि वो एक राजकुमारी है और कैसे उसके रिश्तेदारों ने उसकी माँ की हत्या कर दी और उसके पूर्वजों की सारी संपत्ति को हड़प लिया। बेटा अच्छा, तो आप रूपा अपने उन खूनी रिश्तेदारों से बदला लेना चाहती है, इसीलिए ये सब हो रहा है। रिसोर्ट में जितनी फैमिली है उन्होंने ही लीलाबाई को मारा है। अरेस्ट करो सबको और इस रूपा की फोन की लोकेशन ट्रेस करो, पता करो इस वक्त कहाँ है, उससे जल्द मिलना होगा। ऐसे नहीं, पहले मेरे हिस्से के 50% मुझे दे दो। अपनी हद में रह, जितने पैसे तय हुए थे उतने तुझे मिल जाएंगे। बातें तो बहुत होती है सुहानी मैडम, इस वक्त ये हार मेरे पास है तो सौदा भी अब मेरे हिसाब से होगा। पता था मुझे हार देखकर तेरी नीयत फिसलेगी जरूर। चल हार निकाल, मैं भी पूरी तैयारी से आई थी। जल्दी हार निकाल। सीआईडी मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेगुनाह हूं सर। चुप! फ्रेडी के बावर्ची रमेश, तुमने फ्रेडी को नींद की गोलियां खिलाई ना? और आप राजकुमारी सुहानी जी उर्फ रूपा, जेल जाने की तैयारी करो। तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जान गए। हाँ सर, मैंने किया ये सब। महारानी की आत्मा के पीछे भी मैं ही हूँ। मैंने महारानी का मुखौटा पहन के सबको डराया और फिर उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। नेहा मरने वाली है और गले पे दांत के निशान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी जिन लोगों ने मेरी माँ पे अत्याचार किया। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? फ्रेडी को किसने फंसाया? हम जानते हैं कि डॉक्टर कबीर जो कि एक डेंटिस्ट था, उसका इस्तेमाल किया तुमने और वो नकली खून पीने वाला दांत बनवाया और उसके बाद तुमने डॉक्टर को मार दिया ताकि ये राज किसी के सामने ना आए। और फिर उतनी ही चालाकी से तुमने राष्ट्रीय खानदान के बच्चों से दोस्ती की और उनसे घुल मिलकर तुम यहाँ पर आई ताकि तुम महारानी के वेश में बड़ी आसानी से सबको मार सको। क्यों? ये सब तुम्हारा ही किया धरा ना? मेरे साथ कोई और भी शामिल है। हाँ सर, और उसने हमसे झूठ भी बोला कि वो इस परिवार से बदला लेना चाहता है। कौन है वो? लड़की मार दी। जी सर। नेकलेस। जी सर। गुड, वेरी गुड। सॉरी, काम खत्म, आदमी खत्म। कटोरी डमटा, ये सारा किया कराया तुम्हारा है, और वो भी इस हार के लिए। हाँ, क्योंकि ये मेरा है। ये हार तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हमारे पास तुम्हारे लिए एक हार है। और तुम्हें यहीं पे दूं या ब्यूरो में? कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। अब कोई और भी चाल बची है ना, तो खेल लेना जल्दी, क्योंकि तेरा बाप का घड़ा भर चुका है। तो अब देख तेरा क्या असर करते हैं हम लोग। और हाँ, बुरा वक्त अब तेरा शुरू हो गया है। What is it? Tick tock, tick tock, tick tock। कोई बात नहीं, ये राउंड CID ने जीता। लेकिन क्या है ना कि तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे कि मेरा अगला दाव कब और कहां पड़ेगा। इसलिए अगला राउंड मैं ही जीतूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.